सो भाई गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा नए ब्लॉग के साथ। भाई आज का ब्लॉग बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। देख लो, पहले देख लो, ये सारे कपड़े पहले पड़े हैं, पैकिंग कर रहा हूँ। भाई जा रहे हैं मुंबई कॉलेज की ट्रिप से, ट्रिप नहीं इंडस्ट्रियल विजिट है, तो उसमें जा रहे हैं मुंबई। सुबह 7 बजे निकलना है, 8 बजे से कॉलेज की बस जाएगी दिल्ली, और दिल्ली से हम ट्रेन में जा रहे हैं। एक दिन का सफर है और वापसी फ्लाइट से आएंगे। सो गाइस नाउ आके फुल रेडी हो चुके हैं और 7:30 हो रहे हैं। 7:30 बजे पहुँचना था, हम 7:30 बजे यहीं पर घर पर हैं। अमन आ चुका है लेने। गाइस पहुँच चुके हैं अभी कॉलेज है, देखो भीड़ भाड़। कॉलेज पहुंच चुके हैं, पीछे खड़ी है बस भाई की। ओए ओए गैंगस्टर, चला दे यहां से, फन हो जाएगा तुम्हारा। भाई सुबह सुबह जाके ना दुकान खुलवा के ना माजा ले आया, कहां की भाई माजा पीते हुए जाएंगे भाई सब मुंबई तक। एक ही माजा चलानी है, अगर खत्म हो गई ना तो ट्रिप बेकार हो जाएगी। मेरी माजा को हाथ मत लगा दियो गलती से। ठीक है भाई, डन है। गाइस फ्रूटी की बोतल साहिल ने खत्म कर दी है मेरी। मेरी ट्रेन में पहली बार बैठूंगा, फ्लाइट में भी, और भाई सब एक्सपीरियंस तगड़ा होने वाला है। गाइस हमारे नितेश भाई है, उनका एक GoPro देख दिया, अभी इसको जब्त कर लिया हमने। गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, हम पहुंच गए सूरत। वो गेम खेल रहा है सुबह 5 बजे, सूरत पहुंच गए। इतने तगड़े व्यू के साथ नाश्ता मिल रहा है बढ़िया। गाइस मेरा भाई आ चुका है सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने। खड़ा खड़ा खड़ा, क्या सीन है, नाश्ता वास्ता नहीं करना क्या? टाइमिंग देख लेते नाने से, 1 सेकंड पहले उठा। अबे मैं हाथ तो थोड़ी तो आता उठा दिया, और मैं आके उठा दिया। नाश्ता वास्ता नहीं करना तू भाई? कर रहे हैं यार नाश्ता। क्या भाई टाइम तो देख ले क्या हो गया, पहुंचने वाले अब तो 7 बज गए भाई, 1.5 घंटा है बंदे सो रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह यार। ये टाइम तो रनिंग करने का है बाहर, तो सुबह उठते ही रनिंग भी कर ली स्टेशन पे। भाई नितेश भाई का कैमरा लेके फुल हाईजैक कर रखा है ट्रेन को। व्यू देखो यार कितना जबरदस्त है, पहाड़ों में आ गए हैं। क्या मौसम हो रहा है भाई, इसी पानी में डुबा के मार दूंगा वाली। भाई मैं तो डूबने के लिए तैयार हूँ। तैयार आइलैंड पे चल रहेगा तो मेरे साथ बता। क्या चल आइलैंड भाई, 24/7 भाई साहब, ये तो सच में आइलैंड है, देखना पानी के बीच में पूरा चलेगा। भाई अभी मुंबई पहुंचने वाले हैं, जूते वूते पहन लिए मस्त, फेस वॉश कर लेते हैं फटाफट से, अभी पहले उतर जाएं स्टेशन से, बाद जैसा जैसा मौका लगता रहेगा आपको दिखाता रहूंगा। नहीं तो बाकी होटल पहुंच के मिलेंगे, थोड़ा वहाँ पे फ्रेश फ्रेश होंगे, नहाएंगे वहाँगे, उसके बाद मिलेंगे फिर मुंबई दिखा दूंगा। भाई मुंबई की सड़कों पे आ गए हैं, और साहिल में होटल जाती फ्रूटी लेके देगा, डन है, मजा मजा, बड़ी वाली होगी, बड़ी वाली लूंगा 80 वाली, फिर सब में बांटूंगा, फिर दोबारा लेके देगा। गाइस ये रहा हमारा छोटा सा रूम, इसमें हम 3 जने लेटे हैं और लेटेंगे। इसको मैं भगा सकता हूँ, हो सकता है मैं इसको भगा दूँ। तो बुला रहा था सलमान खान का फोन आया, सलमान खान के यहाँ नहीं जा रहे, उसको मना कर दे। अरे मेरे पास उसका आ रहा था यार, वो जॉनी इब्राहिम। अरे नहीं मैं उसमें, अभी उसके पास बाइक से है ना मेरी, मेरी S1000 आ रहा है, उसके घर पे खड़ी है। भाई अभी अभी जाके भूल गए, पूरी और ये थैला भर के जाते हैं, थैला भर के जाते हैं। मेरे गुंडे का 15 रुपए का वड़ा पाव गालियां तूने ये मेरी मील है, ये दाल, ये रोटी, ये पनीर अपना। गाइस खाना वाना तो डन हो गया, कैसा था फिर? खाना वाना तो बढ़िया हो गया भाई, पनीर वनीर खा लिया, वापस चल रहे ऊपर रूम में, और उसके बाद अभी नहावा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे का प्लान मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। कैसे हो कैसे हो? हेलो 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 गाइस, मेरे फैन मिलते रहते हैं मेरे को भाई, ऐसे देखो आप, मेरे फैन मेरे को मिलते रहते हैं। तो अभी चल रहे हैं वापस से रूम में, और फटाफट से तैयार होते हैं, और आपको तैयार होकर मिलते हैं मस्त फॉर्मल में। भैया मैंने ऐसे आ गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गए हैं यहाँ पे, अंदर कुछ चीजें हैं, कैमरा और वीडियो अलाउड नहीं है भाई। तो अब आपको मैं जब घूमने जाएंगे तभी मिलेंगे, देखते हैं आपको क्या सीन बनता है, और यहाँ से फ्री होके तुम बेकार लग रहा हूँ क्या? वो मेरी डील जो थी उसमें 35 करोड़ रुपए लगाए थे मैंने, उसका जो पता चलेगा ना इसी है, तो सोच रहा हूँ मैं वो क्रैक कर दूँ डील को भाई। हम सोच रहे हैं होल्ड करके रखे वो, क्योंकि देखो हमारे फर्क नहीं, देखो बिजनेस प्लान तो 15 करोड़ से हमारे फर्क नहीं पड़ता, नहीं गरीबों की मदद होगी, हो जाएगी ये रख लेंगे अपने पास, पैसे कहीं डाल देंगे, इनका फायदा हो जाएगा। कौन सी कंपनी है? NSE ना। हाँ मैं सोच रहा हूँ कोई बड़ी कंपनी में हाथ मारते हैं, SBI बैंक के पूरा साइड में। हाँ SBI बैंक की बिल्डिंग है गाइस बराबर में, तो मैं सोच रहा हूँ SBI बैंक में डाका शेयर ले लेता हूँ। डाका नहीं अंदर जाएंगे गाइस, डाका तो नहीं डालेंगे, अंदर जाएंगे, वरना सीधा शेयर्स ले लेते हैं। शेयर्स तो नहीं, मैं तो
ऊपर बड़ी प्लानिंग लेके चल रहा हूँ ऑनेस्टली बताऊँगा तो बहुत बड़ी प्लानिंग होगी नहीं नहीं सबको नहीं बताएंगे हम सिर्फ सिर्फ आपको बताएंगे और हमारे बीच की हमारे बीच की बात है सबको नहीं बताने और किसी को नहीं सिर्फ डाका डालने सिर्फ 66,000 लोग और यहाँ पे जितने बैठे हैं उनको पता होगा इसको देखो हाँ जी इसको देखो ये चश्मा लगा के बिल्कुल रेडी है दिख रही है भाई गाइस यार हम अभी होटल आए थे यहाँ पे 7:30 बज गए और हमारा जो शेड्यूल आया ग्रुप में वो कह रहे हैं कि 9 बजे तक घूम के वापस आना है यहाँ से जू बीच आधे घंटे दूर है गाइस प्लान चेंज अभी चल रहे हैं जू बीच आराम से क्या हो यार क्या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है कौन है भाई तू मैं मेरे को प्यार से लविश बोलते हैं गाइस भैया मैं जाते हुए पूरा बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे ये पार्ले जी वो आ गई है फैक्ट्री पार्ले की ये देखो ये लिखा सामने पार्ले हाइट गाइस ये है अमिताभ बच्चन जी का घर ये देखो इन्होंने अभी ढक दिया है बारिश के कारण जब बारिश आती है तो ये ढक देते हैं अपना घर ये गार्ड खड़े हैं इनके अमिताभ बच्चन जी के गाइस बीच के आ रहे हैं हमारे पीछे दूर दूर तक पानी है मेरा एयरप्लेन जा रहा है वहां पे दिखा सकते हो वो मेरा एयरप्लेन जा रहा है ऊपर करो ऊपर ऊपर है बहुत अलग फीलिंग है बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार बहुत पीसफुल है मन कर रहा है मैं नहा लूं लेकिन नहा नहीं सकता यार पूरे लोग तो नहा लेना किसने मना करा गाइस नहा लो तो दिक्कत हो जाएगी कपड़े गंदे हो जाएंगे तेरे मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है पानी के साथ देखो मिट्टी बहुत है यहाँ पे पूरे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी बालों में फिर दिक्कत हो जाएगी बीमारी बढ़ सकते हैं कोई नहीं फिर आएंगे कल स्कूटी वूटी रेंट करके नहीं भाई क्या एक्सपीरियंस है मतलब मैंने जिंदगी में मतलब पहली बार देख रहा हूँ यार ऐसा कुछ घर से बाहर निकली नहीं हुई पहली बार निकले ट्रेन में पहला सफर था मतलब मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है पहला एक्सपीरियंस कितना अच्छा है तो पहली बार आया ना भाई फर्स्ट टाइम भाई क्या एक्सपीरियंस है भाई मतलब बहुत मजा आ रहा है हमारे सब मतलब हम जितना ग्रुप है वो सब आ गए हैं विशाल नहीं आया उसको थकान हो गई थी बहुत ज्यादा ये देखो कितने सुंदर नजारे हैं पीछे भी भाई कैसा लग रहा है बताओ भाई रात को भी मजा आ रहा है भाई तुम ये बताओ भाई कैसा लग रहा है स्मार्ट ऑलवेज भाई बीच बीच से तो होके आ गए हैं अभी पाव भाजी खाने का टाइम है भाई सबकी बढ़िया पाव भाजी आ गई है मजा आ रहा है बढ़िया ठंडी हवा चल रही है अब पाव भाजी का मजा लेते हैं बटर मार गया फुल गाइस ये पहली बार देख रहा हूँ मैं फ्लेवर्ड वाले गोले मतलब वैसे वाले फ्लेवर तो देखे हैं लाल पीला हरा ये बटर स्कॉच नाम से है बटर स्कॉच और इसको टेस्ट करते हैं भाई टेस्ट करके आज सारे टेस्ट फिल्म मास्टर शेफ तो ये मेरे व्लॉग का बिल्कुल ये बताओ टेस्ट करके अगर इसे भी जेन्युइन बोला ना मारूंगा बहुत सारे बटर स्कॉच तो गिरा दिए तूने ठीक है बढ़िया गहर है ऐसा लग रहा है बर्फ में ना मतलब कैसे बटर स्कॉच डाल दिया आइसक्रीम भाई खा के देखता हूँ मैं पकड़िए जरा गाइस मैं टेस्ट करके बताता हूँ तो मैं रुक जाऊँ इसके टेस्ट का भरोसा मत करो अबे भाई ये तो जहर है मैं क्या कह रहा हूं ब्रो आपको गाइस ये तो जहर है द नेक्स्ट डे गाइस हम आ गए हैं कौन सा यार्ड है ये लाल किला आ गए गाइस हम लाल किला आ गए गाइस देखो मेरे पीछे लाल किले की वाइट बिल्डिंग है और यहाँ पे पीछे पोर्ट ही पोर्ट है सारी तरफ बंदे मेरे पीछे आ रहे हैं भाई गाइस मैं बाद में खिंचाऊंगा फोटो बाद में अभी मत आओ यार अभी गाइस देख लो कितने फैन आ रहे हैं यार मीटअप रखा था यहाँ पे खुली जगह में तो सोचा अभी यहाँ पे खाना बट रहा है तो इनको खाना खिला दो तो सबको देखना भाई पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे खुद खा लिया तूने खुद खा लिया तूने वो तुम कौन भाई हम सब्सक्राइबर हो सब्सक्राइबर रहो ऐसे पीछे से हाथ रखने को किसने कहा तुम्हें यहाँ पे कंधे पे भाई देखो इससे आगे नहीं जाने के लिए मैंने मना कर दिया सबको अपने वाले बोलते हैं दूसरे के बोलते जाएं अपने ट्रिप के नाम पे मैं पागल बना दिया 5 मिनट को यहाँ घुमाने लाए थे और बस पूरी यहाँ को सबने यहाँ से खड़े हुए बिल्डिंग देखी थी वो कंटेनर 2-3 घंटे वेस्ट कर दिए अब 5% बैटरी है तुम्हारा भाई सीधा मिलेगा होटल पहुंच के गाइस होटल वापस आ गए थे हम लोग ये तैयार हो रहे हैं मरीन ड्राइव चल रहे हैं वहाँ पे शाहरुख खान वाहरुख खान का घर देख लेंगे भाई मन्नत वन्नत सब देख लेंगे आज और विशाल वगैरह सब गेट पे वेट कर रहे हैं और बिल्कुल कैब आ गई है गेट पे लेट्स गो लेट्स गो गाइस जब से मुंबई आए हैं अब जाके बढ़िया सी वो मिली है देखो देखने को गाइस देखो ये अभी पहुंच गए हैं एंटीलिया अंबानी का घर है ये ऊपर वाला ये फुल यहाँ पे हाई सिक्योरिटी रहती है ये देखो ये रहा बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ये वाली नहीं इससे पीछे वाली है गाइस ये देखो ये रेलवे का ऑफिस है ब्लू लाइट्स के साथ ये देखो पीछे दिख रहा होगा आपको The next day. तो ये है आज लास्ट और फाइनल डे और भाई कल वो भी नहीं देख पाए हम क्या कहते हैं क्या था वो चिड़ियाघर नहीं गेट ऑफ इंडिया वो भी नहीं देखा तुमने कल गेट ऑफ इंडिया भी नहीं देख पाए बंदों के चक्कर में मरीन ड्राइव पर खड़े रह गए अब उसके बाद आज गेट ऑफ इंडिया भी देख लेंगे और थोड़ा बहुत जो भी है खाना पीना नॉनवेज कितनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है 3-4 दिन से कुछ नहीं मिला खाने के लिए नाश्ते का टाइम हो गया ये खा लिया मैंने स्पेस ट्रांसफर कर रहा था इसमें सारी डाल दी है इधर मोबाइल की स्पेस भर गई थी पूरी की पूरी अभी खा लीजिए अब नाश्ता कर लेते हैं हम निकल रहे हैं हम कहीं पे गाइस यहाँ पे हमारा पागल बन चुका है भाई फ्लाइट की टिकट आ चुकी है और मेरे को लगता है घूमना हो पाएगा अभी तो तू कह रहा था गेट ऑफ इंडिया जाऊंगा
वो दिल्ली में देख लें। वो बाइक वाले मामा कहाँ गए जो गेटवे में इंडिया में बाइक चढ़ा देते हैं? वो उनसे तो मिलके जाना ही है। ये फॉर्मल्स पहनवा दिए हैं, क्या लाए हैं? धूप में हमसे चलवा रहे हैं। गाइस वहाँ से वापस आ गए थे अपनी विजिट करके, और यहाँ पे एक होटल है डाइन इन करके होटल, वहाँ पे रुके हैं रात तक के लिए रुकेंगे। फ्लाइट के अलग अलग वो है टाइमिंग सबकी, तो मेरी 10:30 बजे है और ये दोनों बस खड़ी है हमारे पीछे। ये वाली बस में मैं जाने वाला हूँ अभी, इसमें बैग रख दिया, शिफ्ट कर दिया बैग। अब जैसा भी होता है आपको दिखाता रहूंगा। भाई जा चुके हैं अब्दुल्ला भैया है यहाँ से 10-12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूर से आएगा? 7 किलोमीटर। आंधेरी सर। अच्छा, यहीं से आ गए भाई। भैया को परेशान कर दिया इधर से उधर से इधर। जैसे मेरा ननिहाल है ना जलालाबाद में, इनका ननिहाल भी वहीं है। दोनों का ननिहाल वहीं है। और आज इंस्टाग्राम के थ्रू रहते थे कॉन्टैक्ट में, अब मिल लिए हैं फाइनली। भाई अभी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं तो आराम से बैठूंगा। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा तो हो गई ऑब्वियसली। मैं तो खिड़की सीट ले लूँगा इसे मांग के, देखते हैं आगे मिलते हैं आपको। मिलता हूँ अंदर जाके, पहले चेक इन कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अभी हम यहाँ पर आ गए हैं देखो मुंबई एयरपोर्ट के पास, और ये अपना ग्रुप में सबका चेक इन हो रहा है। ये सबने अपना ग्रुप बनाया है और अभी हमारी 10:30 की फ्लाइट है, फिर हम दिल्ली जाने के बाद वहाँ से हमारी बस है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि डिनर तो हम कर नहीं पाए क्योंकि 2 घंटे का गैप मिला हमें लंच और डिनर में। अब ये तुम बताओ कि 5 बजे लंच और 7 बजे डिनर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है? इतना ही अच्छा मेरा डाइजेशन सिस्टम होता तो आज पहलवान होता। गाइस सर ने मेरा इतना पागल बनाया मेरे को बाहर बोल रहे हैं कि तुझे खिड़की वाली सीट दूंगा। मैंने यहाँ पे आके देखा, मेरी तो पहले से ही खिड़की वाली सीट थी। मेरे को ऐसे लालच दे रहे तुझे खिड़की वाली सीट दूंगा सर, रॉन्ग बात है ऐसे। एक बार हाय कर दो चैनल पे, हाय तो कर दो, क्या सब्सक्राइब कर दो गाइस। गाइस बहुत फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, ये सबको निपटाऊंगा कॉलेज जाके। ये देखो अब क्लियर खिड़की वाली सीट मिल गई और इसका फोन भी मिल गया, थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए। गाइस पहुंच चुके हैं दिल्ली। भाई फर्स्ट दिन बहुत बढ़िया था, लेकिन कान में पूरा दर्द हो रहा है लेफ्ट वाले में बहुत ज़्यादा। भाई अब 6 घंटे का सफ़र और है देहरादून जाने के लिए, 5 घंटे का। आपको मिलता है सीधा कॉलेज की बस में। भाई ट्रिप व्रिप करके पहुंच गए अपने घर और मैं शेव वेव कर लिया, आपको दिख रहा होगा एकदम अलग लुक दिख रहा होगा। तो भाई ट्रिप में सही रहा, मतलब 3 दिन की ट्रिप थी और मैंने उसको एक ही दिन में ब्लॉग को कम्प्लीट कर दिया। वैसे तो मैंने अलग अलग दिन की बनाई थी लेकिन उस हिसाब से बन नहीं पाई क्योंकि हमारा प्लान सारा बिगड़ गया था आपको पता है। तो एक और ट्रिप प्लान करेंगे लेकिन दोस्तों के साथ इस बार, और इस बार तो चलो कॉलेज ट्रिप थी और कॉलेज वालों ने इतना कुछ खास कराया भी नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट था तो आपको दिखाना भी ज़रूरी था और हमेशा याद भी रहेगा आगे जाके जब देखूंगा कि भाई क्या सीन था क्या नहीं। तो होप करता हूँ वो व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़े बहुत दोस्तों के साथ मस्त मौज की थी वो आपको दिखा दिया, और मिलते हैं आपको ऐसे बढ़िया से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बनाई दे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं और बस जुड़े रहना, कुछ खास आने वाला है, जुड़े रहना।